कटारिया के फैंस के लिए आ चुकी है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बात करते हैं आखिर क्या खुशखबरी आई है कटारिया के फैंस के लिए। मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे कि आपको पता होगा कि कटारिया हथकड़ी के अंदर बंधे हुए थे, जब तक जनता का आदेश नहीं आता यानी कि जनता का फैसला नहीं आता कि ये कटारिया को बचाना चाहते हैं या फिर गार्डन एरिया से ही इनको बाहर भेज देना चाहते हैं। जी हाँ, और फाइनली अब जनता का फैसला आ चुका है। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो बिग बॉस होते हैं वो कटारिया को बताते हैं कि आपकी जनता ये चाहती है, यानी कि हमने जनता से पूछा कि आपको यहाँ पे रखना चाहिए या फिर गार्डन एरिया से ही वापस भेज देना चाहिए यानी कि इविक्ट कर देना चाहिए। तो जनता का फैसला आ चुका है और जनता ये चाहती है कि आप अभी भी घर के अंदर सही सलामत से रहो। जी हाँ, और ये बात सुनने के बाद जो कटारिया होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जी हाँ, और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी आई है क्योंकि आप कटारिया के फैंस हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी आई है। जी हाँ, क्योंकि आपने कर दिया है सिस्टम हैंग। जी हाँ, बिग बॉस को ना चाहते हुए भी कटारिया को बचाना पड़ गया है। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि कटारिया ने बोल दिया है कि बस मैं एक बार बच जाओ फिर मैं इनकी वाट लगाने वाला हूँ। जी हाँ, विशाल और कटारिया दोनों मिलकर लगाने वाले हैं अरमान, रणवीर और भी कई सारे कंटेस्टेंट की वाट। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर क्या करने वाले हैं ये कंटेस्टेंट के साथ। आपको क्या है इस अपडेट को लेकर कहना, और कटारिया सेफ हो चुके हैं इसके बारे में आपको क्या है कहना, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी बिग बॉस OTT सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।